सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, गिद्वानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले गणेश तलाई पर स्थित कोड़िया हनुमान मंदिर के पीछे रहने वाले भारत गोहर निवासी रेलवे हॉस्पिटल गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल कोड़िया हनुमान मंदिर के पास अभी कुछ देर पहले चाकूबाजी की वारदात हुई, जिसमें जो आरोपी हैं रोहित पिता अशोक चावरे और विजय शंकर पिता सुरेश, इन तीनों के बीच में झगड़ा हो गया। भारत अकेला था और विजय और रोहित आमने सामने वाली पार्टी थी। चाकूबाजी में भारत गंभीर रूप से घायल हुआ है, पेट से उसकी आतड़िया तक बाहर आ गई थी। उसे फिलहाल खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और इंदौर रेफर किया जा सकता है। उसकी हालत फिलहाल गंभीर है और उसके परिजन भी हॉस्पिटल में मौजूद है। वहीं इस मामले में घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन और उनके साथी, उनकी टीम मौके पर पहुंचे। रोहित और विजय चावरे को अभिरक्षा में ले लिया गया है। ये लोग पुलिस के आने के बाद रेलवे ट्रैक के पास भागने लगे थे, पुलिस ने बड़ी मशक्क़त करके इन्हें पकड़ा और अभिरक्षा में लिया है। फिलहाल जो भारत है उसके बयान हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं और उसके पश्चात इस मामले में अपराध दर्ज करने की बात कोतवाली पुलिस की टीम कह रही है। झगड़ा बताया जा रहा है मामूली बात को लेकर हुआ। इस दौरान रोहित और विजय चाकू लेकर आ गए और भारत पर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत मौके पर घायल हो गया और खून से लथपथ हो गया। उसे इतना ज़्यादा चाकू मारा गया कि पेट से उसकी इंटेस्टाइन यानी आंतड़ियाँ बाहर आ गई और उसे आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल खंडवा जिला अस्पताल भिजवाया और पुलिस को भी जानकारी दी, जिसके पश्चात पुलिस की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और रोहित और विजय की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। जिसके पश्चात पुलिस को जानकारी मिली कि रोहित और विजय एक जगह हैं और वहां पर दबिश देकर पुलिस ने उन्हें अभिरक्षा में ले लिया। फिलहाल इस मामले में रोहित जो भारत है उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और रोहित और विजय ये दोनों फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में हैं और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात पुलिस की टीम कह रही है। लेकिन इस घटना से गणेश तलाई में सनसनी जरूर फैल गई।